नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजिंग न्यूज। मैं हूं साक्षी बत्रा। सबसे पहले देखते हैं टॉप हेडलाइंस ऑफ दिस आवर। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में 150 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 7700 के ऊपर अभी कर रहा है कामकाज। फर्टिलाइजर चीनी शेयरों में खरीदारी बरकरार। बाजार को अब कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार। जी बिजनेस पोल में 60% बैंकर्स ने कहा कल 4.5% घट सकते हैं रेपो रेट। ई कॉमर्स कंपनी इन्फीबीम इनकॉर्पोरेशन की अच्छी लिस्टिंग। 432 रुपीज के इश्यू प्राइस के मुकाबले 458 रुपीज प्रति शेयर पर हुआ लिस्ट। पनामा टैक्स हेवन में डीएलएफ प्रमोटर केपी सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम शामिल। वित्त मंत्री ने कहा पनामा पेपर्स लीक में विदेशी संपत्ति छिपाने वाले लोगों को पड़ेगा महंगा। थोड़ी देर में कोल ब्लॉक घोटाले केस में होगी पहली सजा। कोयला घोटाले में जेआईपीएल के डायरेक्टर्स रूंटा भाइयों को कोर्ट ने माना था दोषी। एम्फेसिस में 26% हिस्से के लिए मार्बल और ब्लैकस्टोन ने ओपन ऑफर दिया। 457.54 रुपीज प्रति शेयर पर ओपन ऑफर दिया। ओपन ऑफर के बाद शेयर पर दबाव। और डील के बाद ज्योमेट्रिक में 18% की जोरदार तेजी। शुक्रवार को एक्सेल टेक्नोलॉजीज ने कंपनी में करीब 32% की हिस्सेदारी खरीदी। करीब 20 करोड़ डॉलर्स में हुआ सौदा। कल खुलेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 109 रुपए से 110 रुपए के बीच। इशू से 2100 करोड़ जुटाने की योजना। महिंद्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी न्यूवो स्पोर्ट लॉन्च। पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में उतारी न्यूवो स्पोर्ट। 7.5 लाख रुपीस से शुरू हो सकती है कीमतें। असम और पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी। अभी तक पश्चिम बंगाल में 50 और असम में 31% वोटिंग। वीआईपी उम्मीदों ने भी डाले वोट।